दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में गाय के घी का महत्व आज मैं आपको बता रहा हूँ। आज खाने में भी ना लेना एक फैशन बन गया है। आजकल लोग कोई घी नहीं लेते भी एक तरह से फैशन बन गया है। बच्चे के जन्म के बाद डॉक्टर भी घी खाने से मना करते हैं। अब मैं डॉक्टरों की बात को काटता हूँ यहाँ। क्यों काटता हूँ? क्यों वो गलत करते हैं? वैसे तो वो ठीक कहते हैं क्योंकि घी असली नहीं मिलता, लेकिन आदमी कोशिश करता है तो उसको असली मिलता है, तो मना नहीं करना चाहिए। पहले की औरतें 11-11 संतानों को पैदा करती थी और डिलीवरी के बाद आप कहीं ताज्जुब से गिर न जाना कुर्सी से। मेरी खुद की जो दादे सासू थी, 99 साल की उम्र के अंदर वो मरी और हम मिलने के लिए गए तो काम करते हुए मरी। 99 साल की अवस्था में उनकी 32 एक दांत भी खंडित नहीं, मोती के समान। 99 साल की अवस्था के अंदर गेहूं, मोट बाजरा उनको उनमें कचरा निकाल लेती थी बिना किसी चश्मे के। और जैसे आप और हम सुनते हैं वैसे सुन लेती और दो भगत रोटी खाती। बस परिवर्तन ये हुआ कि वो अपने ज़माने में खूब मेहनत करी हुई थी और हाथों की जो चमड़ी है, मैं उनके पास बैठा था तो ये जो हाथ की चमड़ी है ये इतने इतने नीचे लटक गई, लेकिन जो हाथ की जो कलाई की हड्डी है वो मैंने अपने इसमें पकड़ी मेरी इसमें पकड़ाई नहीं गई, इतनी मोटी कलाई, ये अंगुलियां। तो मैंने एक काल्पनिक चित्र बनाया कि ये औरत अपने यौवन अवस्था में 18-20 साल के अंदर कैसी हो। तो वो डिलीवरी के बाद वो हमको कहती थी कि कमर साहब, हम हैं हर एक डिलीवरी के बाद में 10-15 किलो गाय का घी ये अवश्य खाते हैं, ये एक राज है जिससे हम स्वस्थ हैं। गाय का दूध, गाय का घी, और कभी कभी तो आधा मन भी घी खा लेते थे। आधा मन का मतलब जानते हो, एक मन का 40 शेर होता है, आधा मन का 19 किलो हो गया, 20 किलो हो गया, यूँ मान कि ये ज़रूरी ज़रूरी था। उस वक़्त घरों में डिलीवरी हुआ करती थी, कोई सर्जरी का काम नहीं था, कोई इलाकों में एक आध। आजकल हर डिलीवरी सर्जरी से होती है और जाते जाते जब रोगिनी घर जाती है तो यही कहते हैं कि ये नहीं खाना,
जबकि गाय का घी एक तरह से रसायन होता है। रसायन का मतलब कोई तरह की हानि पहुंचाने वाला नहीं और शरीर को तेजस्वी बनाने वाला होता है। गाय का घी मैं कहता हूँ सोना मत खरीदिए, चांदी मत खरीदिए, जहाँ असली गाय का घी मिल जाए उसको खरीदिए। बच्चे के जन्म के बाद डॉक्टर भी घी खाने को मना करते हैं। दिल के मरीजों को भी घी से दूर रहने की सलाह देते हैं। हमको कह रखा है घी मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, वो हो रहा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो देखो हम घी नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते, और हमारी जो घर वाली है तो वो 5-7 दिन के अंदर वो बिलोना से घी निकालती है। तो कभी हमें घी की आवश्यकता होती, कोई चक्कर आने या कोई इस तरह की कोई तकलीफ होती, तो दूध के अंदर 2 चम्मच घी के डाल के काली मिर्च डाल के पी लिया करते थे और अब भी पी लेते हैं। बस इतना ही घी, बाकी घी खूब आता है बाज़ार से। हमारे घर की बहुएं समझती नहीं, हर घर में भी नहीं समझती, हमारे से कोई मतलब नहीं। तो वो घी खुद भी खूब खाती हैं बाज़ार का, अपने बच्चों को भी खूब खिलाती हैं कहीं ये कमज़ोर ना हो जाए, और अपने हस्बैंड को भी खूब खिलाती हैं कि ये कमज़ोर ना हो जाए। जबकि मैं टोकता हूँ, मैं रोकता हूँ कि ये चर्बी का मत खिलाओ, इसी जगह इनकी रोटी को शुद्ध तिल के तेल से चोपड़ दो, वो बढ़िया है। 450 रुपये किलो में गाय का घी कोई नहीं देता। तो ये गोमाता जो है इसका घी, इसका दूध, इसकी हर एक चीज जगत कल्याण में काम आती है। गायों के प्रति एक खतरनाक साजिश भी कुछ लोग जो बीफ खाते हैं वो इस तरह की करते हैं। गाय का घी वात और पित्त दोनों को शांत करता है। चरक संहिता में कहा गया है कि जठरा अग्नि को जब घी डालकर प्रदीप्त कर दिया जाए तो कितना ही भारी भोजन क्यों ना खाया जाए ये बुझती नहीं है। यानी कि चरक ऋषि ने अपने ग्रंथ में कहा कि जब गाय का घी डाल करके और पेट में खाएंगे और उससे जो हाजमा शक्ति बढ़ेगी, वो कैसा भी गरिष्ठ खाना खा लेंगे तो उनको कोई असर नहीं होता, इतनी ताकत गाय के घी में होती है। बच्चे के जन्म के बाद वात बढ़ जाता है जो घी के सेवन से ही ठीक हो जाता है। अगर ये नहीं निकला हो तो मोटापा बढ़ जाता है। हार्ट की नलियों में जब ब्लॉकेज हो तो
घी एक लुब्रिकेंट का काम करता है। आयुर्वेद के हिसाब से, एलोपैथिक का नहीं कह रहा हूं मैं। कब्ज को हटाने के लिए भी गाय का घी बहुत मददगार होता है। गर्मियों में जब पित्त बढ़ जाता है तो गाय का घी उसे शांत करता है। घी सप्त धातुओं को पुष्ट करता है। सप्त धातु शरीर के अंदर अपने होते हैं, उन सबको ये गाय का घी निरोग करता है। दाल जो खाते हैं, दाल उसमें घी डालकर खाने से जिनको गैस की बीमारी है वो ठीक हो जाती है, लेकिन घी गाय का होना चाहिए। घी खाने से मोटापा कम होता है। घी एंटीऑक्सीडेंट्स की मदद करता है जो कि रेडिकल्स को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। वनस्पति घी कभी न खाएं, ये पित्त बढ़ाता है और शरीर में जम के बैठ जाता है। घी को कभी भी मलाई गरम करके ना बनाएं, इसे दही जमा कर और फिर उसको बिलोने से मत करके जो घी प्राप्त होता है उसमें असीम शक्ति होती है। फिर इसको गर्म करने से घी मिल जाता है, यानी कि जो असली गाय का घी होता है। अब आजकल मलाई को ठंडा गर्म करके जाने कैसे बनाते हैं, पहले ऐसे नहीं बनाते थे, पहले उसका दही बनाते और उस दही को एक लकड़ी की डंडी जिसको झेरना बोलते थे देसी भाषा में, और एक रस्सी होती थी, औरतें एक थंबे के उसके वो बांध देती थी और घी का जो पात्र होता था उसमें वो लकड़ी जिसके नीचे चार भाग होते थे एक ही लकड़ी के, और रस्सी की सहायता से ऐसे 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 करके जिस तरह मिक्सी घुमाती है इस तरह से वो घुमाती थी। तो आधी घंटा पौन घंटे बाद में घी ऊपर आ जाता था, तो उसको निकाल के और साफ बर्तन में रखती तो वो घी नहीं निकलता था, वो निकलता था मक्खन। तो जिनको मक्खन खाने का शौक है तो वो मक्खन खा लेते। फिर उस घी को गरम करके तपा करके और कोई थोड़ी बहुत कोई उसमें 2-4% छाछ का हिस्सा होता है उसे अलग करके और फिर बढ़ते थे। केसरिया रंग का गाय का घी होता, पीला जर्द, क्या बताएं। और औरतों की भी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती थी, रोज का काम। अब ये सब खत्म हो गए हमारे इधर, कोई पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई हो तो इस तरह का घी। असली तरीका तो देसी घी का ये है, मशीन से घुमाने से जो गाय के घी का जो लाभ है वो कम हो जाते हैं। जिस तरह है, बड़ी मशीन के अंदर तेल निकालते हैं तो उस तेल के जो पोषक तत्व हैं वो जल जाते हैं, और छोटी जो बेल गानी होती है उसमें तेल निकलवाएंगे तो लकड़ी का लट्ठा घूमता है,
उस तेल के अंदर बहुत ताकत होती है, क्योंकि उस तेल की ताकत जलती नहीं है, लकड़ी की रगड़ से घी निकलता है। अब आज से 10 साल पहले तक 1-2 घानी इस तरह की चला करती थी। हम खुद तिल लेकर के जाते थे कि भाई इसका तुम तेल बना दो, बना देती और उसकी जो खल है वो रख लेती और पैसा कोई देने की बात नहीं, और घी वो दे देती, तेल निकाल के ले आओ। वो तेल घी के समान ही होता था। अब आजकल आप लोगों को, हमको, सभी को न घी मिलता है न तेल मिलता है, तो ये दो चिकनाई शरीर के अंदर, घुटनों के अंदर ग्रीस बनाती है, हार्ट को ताकत देती है, चमड़ी के अंदर झुर्री नहीं पड़ने देती, और डॉक्टर जी को तो देखना ही नहीं, क्योंकि उनको यही पढ़ाया गया है इस कलयुग के अंदर, उन्हें पता ही नहीं कि गाय का घी क्या होता है। तो वो जो उनको पढ़ाया गया है वो आपको सुना दे। अरे आप थोड़ी सी, अगर आपको जगह है घर के अंदर, थोड़ा सा लॉन है, एक गाय बांध लीजिए, थोड़ी मेहनत करिए, इतना घी तो हो ही जाएगा कि आपका गुजारा हो जाए। पहले प्रत्येक घरों में गायें हुआ करती थी, अब नहीं होती। हाँ, कुल मिला के गाय का घी अमृत के समान रसायन है, ये इस चीज़ को आप याद रखें। हमारे गुरुजी जिनको चक्कर आते थे तो वो कहते कि दूध ले आओ, गाय का घी मेरे पास पड़ा है। तो दूध लेके औरतें आदमी आते थे एक गिलास के अंदर, तो वो 1-2 चम्मच गाय का घी डाल के अपने हाथ से हिला करके और 5 काली मिर्च का पाउडर डाल के इसको पी जाओ, चक्कर नहीं आते। तो एक ही बार में चक्कर गायब हो जाते थे, उसे कहते हैं गाय का घी। अब बहुत मजबूरी है, अगर किसी के पास गाय का घी है असली और किसी कारण से वो कुछ पुराना हो गया है तो उसको फेंके नहीं, उसका शुद्धिकरण का मैं एक तरीका बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास 0.5 किलो गाय का घी पुराना हो गया किसी वजह से, 2-3 महीना या 4-3 महीना पुराना हो गया। पुराना होने के बाद थोड़ी वो बदबू देने लग जाता, तो बाजार से पान के पत्ते, जो पान अपन खाते हैं मीठा पत्ता, 2 पत्ते ले आइए, सिर्फ 2, और 0.5 किलो घी के अंदर डाल के कढ़ाई के अंदर हल्का सा उसको गर्म कर लीजिए, फिर पत्तों को निकाल दीजिए। आपका ये घी सब, उसकी स्मेल गायब हो जाएगी और ऐसा हो जाएगा कि जैसे आज ही निकाला है, और आप उसको प्रयोग में आराम से ले सकते हैं। दोस्तों, गाय के घी की महिमा और बहुत लंबी चौड़ी है, इतना वक्त नहीं, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। ये भी आप खाएं तो गाय का असली घी खाएं, नहीं तो मेरी तरह सूखी रोटी खाएं, दाल खाएं, सब्जी खाएं, या असली तिल का तेल, सर्दी सर्दी तिल का तेल खाएं। कोई डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, तेल मत खाओ, उसकी मत सुनो। तो
असली तेल खा लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे शरीर में कोई चिकनाहट ही नहीं जाएगी, ग्रीस कैसे बनेगा हड्डियों में? जब भी तो ये कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, कोहनी में दर्द होता है, घुटने दुखते हैं, साइटिका होती है। आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा।